देश में महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं, तो वहीं देश में हर अभियान महिला सुरक्षा को लेकर के विफल नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। यहाँ ये सच है, मिशन चाहे शक्ति हो और वो चाहे मिशन महिला सशक्तिकरण हो, कोई भी अभियान चला दिया जाए, लेकिन महिलाएं अपने आप को असहाय असुरक्षित ही महसूस करती रहती हैं। एक बुलंदशहर से इसी असहाय एक रेप पीड़िता की खबर सामने आ रही, जहां आपको बता दें कि रेप पीड़िता ने मुकदमा भी दर्ज कराया और पुलिस आरोपियों को तलाश करती रही। और वही सुसाइड नोट में रेप पीड़िता ने लिखी है रोंगटे खड़े कर देने वाली आप बीती, कि किस तरीके से उसी के प्रेमी ने अपने साथियों के साथ मिलकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। तो वही रेप पीड़िता गुहार लगाती रही पुलिस से कि उनके आरोपियों को गिरफ्तार करे, लेकिन पुलिस खाली हाथ, आरोपी फरार। तो वही रेप पीड़िता ने एक बात भी कही है सुसाइड नोट में कि अगर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाता तो कहीं ना कहीं उसका मनोबल बढ़ता। लगातार देश में FIR दर्ज होने के बाद दुष्कर्म के आरोपी फरार घूम रहे हैं और पुलिस हाथ पर हाथ रख के बैठी है। तो वही दुष्कर्म पीड़िताएं पंखे से लटक कर फांसी भी लगा रही है। आइए डालते हैं एक अपराध जगत की बड़ी खबर पर नजर। और हार के आज मेरी बेटी ने जान दी। वो आप क्या चाहते हैं सर? यही है कि दोषी को सजा मिल जाए, जो इसके भागी हैं वो कर्म को भुगते हैं। और क्या ये चाहते हैं? साइड नोट में दुष्कर्म पीड़िता ने लिखी दिल की बात, अगर आरोपियों की गिरफ्तारी हो जाती तो। बुलंदशहर में सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों की गिरफ्तारी ना होने से आज पीड़िता ने फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली है। मौके से सुसाइड नोट मिला है जिसमें पीड़िता ने उसके साथ हुई घटनाओं का विस्तार से जिक्र किया है। उसने लिखा है कि केस दर्ज करने के बाद भी पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं किया, इससे आहत होकर उसने आत्महत्या कर ली है। साथ ही उसमें आरोपी के द्वारा माफी मांगने और निकाह करने की बात कहे जाने के बाद उसने बयान बदल दिए थे। इसके बाद 16 अक्टूबर की वारदात का जिक्र करते हुए लिखा है कि सुबह 4 बजे कमरुद्दीन ने उसे मैसेज कर गांव के बाहर सड़क पर बुलाया और वहां अबरार के साथ मुबीन भी मौजूद था। इसके बाद आरोपियों के द्वारा उसे अबरार के घर गांव लक्षमपुर ले जाने की बात लिखी हुई थी। साथ ही उसी दिन आरोपी कमरुद्दीन के द्वारा निकाह का झांसा देकर दुष्कर्म करने और आरोपी अबरार मोहिद्दीन के द्वारा अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देने का भी जिक्र है। नोट में लिखा गया है कि दोनों आरोपियों ने भी उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था। बाद में आरोपियों के द्वारा पीड़िता को अलीगढ़ के थाना छर्रा क्षेत्र में छोड़कर जाने की बात लिखी गई थी। वहीं सुसाइड नोट के दूसरे पेज की अंतिम कुछ लाइनों में लिखा गया है कि आरोपियों ने उसकी जिंदगी खराब कर दी, उसे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, उसका करियर और भविष्य सब कुछ बर्बाद कर दिया गया। यदि आरोपियों को जेल भेज दिया गया होता तो उसका मनोबल बढ़ जाता, अब उस पर परिवार वाले और पुलिस कोई भरोसा नहीं करता है। तो पिछले महीने की 3 तारीख को मेरी बेटी को कमरुद्दीन ने अपने दोस्तों के साथ उठाया और उससे दुष्कर्म का प्रयास किया, जबरदस्ती करने की कोशिश की। वो जैसे तैसे जान बचा के भागी और घर पहुंची, उसने सारा वृतांत बताया हमें, तो हमने रिपोर्ट दर्ज करी। अच्छा, फ़ोन पे फिर कमरुद्दीन ने माफ़ी मांग ली कि मैं मुझे माफ़ कर दे, मैं तुझसे शादी कर लूँगा, मैं तुझे बहुत खुश रखूँगा। उसके बाद दोबारा 16 तारीख को बुलाया रोड पर गांव के बाहर, और वहां पे बोला था कि मैं अकेला हूं, लेकिन वहां ये 3 लोग थे अबरार, कमरुद्दीन और मुबीन। और जैसा कि लड़की ने हमें बताया साहब, उसी के आधार पे हमने कार्रवाई की, रिपोर्ट भी लिखवाई, 24 तारीख को मुकदमा दर्ज किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई साहब। और हार के आज मेरी बेटी ने जान दे दी। और आप क्या चाहते हैं सर? यही है कि दोषी को सजा मिल जाए, जो इसके भागी हैं वो अपने कर्म को भुगते हैं। और क्या ये चाहते हैं?